Good morning, students. In last class, we studied about the Coulomb's law, and now today further we again study about Coulomb's law. Coulomb's law का आपने Coulomb's law देख लिया और उसका vector form आज करने वाले हैं कि vector form के अंदर Coulomb's law क्या होता है और उसका representation कैसे करते हैं. Then principle of superposition. क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपनी क्लास. कल का जो रिवीजन है एक बार रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट अपना आगे बढ़ाते हैं. तो जो कूलम्ब लॉ होता है, कूलम्ब लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा है उसमें हमें ये बताया है कि जो दो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज को अगर किसी डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया जाए तो Q1 and Q2, then the force applied by the charge will be equal to F and K Q1 Q2 upon R square. Clear? K Q1 Q2 upon R square. Now अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आज पढ़ने जाएंगे. उसके बाद इसका आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके बाद अपना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि बाकी बचा हुआ है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करने के बाद में हम करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन. तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या है? माय डियर स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर दिस टू चार्जेस Q1 एंड Q2. दिस टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस टू चार्जेस विल बी R1 एंड R2. द पोजीशन वेक्टर विल बी R1 एंड R2 वेक्टर. क्लियर और नॉट? कल हमने यही किया था कि कूलम्ब लॉ जो है उसका हमने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, और डायग्राम जो होता है उसके बाद टाइम थोड़ा कम था इसलिए उस क्लास को वहीं खत्म कर दिया था. आज वो आगे करने जा रहे हैं. तो ये क्या है? Q1 एंड Q2 दो चार्जेज हैं, और इन दोनों चार्जेज की जो पोजिशन वैक्टर है वो R1 एंड R2 है. पोजिशन वैक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पोजिशन वैक्टर इज ए डिस्टेंस. पोजिशन वेक्टर इज ए डिस्टेंस ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर. तो ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज की फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज नोन एज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस Q1 चार्ज, एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज. क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए. अब देखिए, Q1 चार्ज है एंड Q2 चार्ज है, दोनों चार्जेज का साइन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. अगर साइन सेम है या साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? कंसीडर करो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस आल्सो विल पॉजिटिव. ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन. क्या लगेगा? रिपल्सन. यानी Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में. क्लियर है? Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द Q2 चार्ज विल बी दिस. अगर ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता तो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता इस डायरेक्शन में, एंड Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता इस डायरेक्शन में. क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन. क्लियर है यहां तक? इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप कंसीडर कर लो दोनों चार्जेस क्या है, सेम चार्जेस है. अगर दोनों चार्जेस सेम है तो इनके पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 हो गए Q1 और Q2 के लिए. अब देखो, Q1 जो फोर्स लगाएगा किस पे लगाएगा? Q2 पे. इसलिए फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाय Q1 इज रिप्रेजेंटेड बाय F2 1. फोर्स अप्लाइड टू applied by, clear है? Applied on 2 and applied by 1.
क्लियर। अगर मैं बात करूं इस फोर्स की, तो ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? वन टू अप्लाई कर रहा है। किस पे अप्लाई कर रहा होगा? वन पे अप्लाई हो रहा होगा। कौन कर रहा है? टू कर रहा है। यानी ये एफ वन टू हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म के लिए इसके ऊपर फिर का निशान लगा देंगे। अब देखिए क्यू टू की डिस्टेंस फ्रॉम क्यू वन, किसकी डिस्टेंस? क्यू टू। पोजिशन वेक्टर किसका है? टू का। कहां से? वन से। कितना हो जाएगा? आर टू वन। और ये एरो इस डायरेक्शन में होगा, यहां से वापस इसको आप देखोगे तो ये एरो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इससे इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा। चलिए थ्योरी लिखते हैं इसकी। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू हूज पोजिशन वेक्टर, हूज पोजिशन वेक्टर आर, पोजिशन वेक्टर्स आर आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली। पोजिशन वेक्टर आर वन एंड आर टू respectively and consider the force applied on charge, the force applied on charge 2 by charge 1 is equal to F21, is equal to F21 and the force by charge 1, force by charge 2 on charge 1 is represented by F12, represented by F12। क्लियर है यहां तक? कुछ नहीं है, Q1 और Q2 चार्जेस है, उनके पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 है। जो फोर्स Q1 अप्लाई कर रहा है किस पे? 2 पे। वो किसके इक्वल होगा? F21 के। जो फोर्स Q2 अप्लाई कर रहा है Q1 पे वो होगा F12 होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि किसका है? वेक्टर का। जो आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा है उसका कंसेप्ट ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपने बोला कितनी है? R1 है। और किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। इस R1 से ये जो डिस्टेंस है वो R12 के बराबर है। वो किसके इक्वल है? ये R21 है। कितना है? R21 from point 1 to point 2 is will be equal to R21, जो कि ये मैंने represent कर दिया है। और इसका अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका tail यहाँ पे है, head यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी head tail, और ये हो जाएगा R2 vector। इसको अगर आप देखते हो तो ये आपको एक triangle नजर आएगा। क्या triangle नजर आएगा या नहीं आ रहा? देखिए इधर, ये A1 वेक्टर, ये B वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर, A और B को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है एक रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज R। यहां पर भी सेम, R1 वेक्टर फिर R21 वेक्टर, इन दोनों का सम जो होगा वो R2 वेक्टर के इक्वल होगा। क्यों होगा? इधर देखिए टेल हेड, हेड को मिलाया नेक्स्ट के टेल से, फिर आगे आपके पास आगे है, तो यहाँ पे हेड और हेड कनेक्ट हो रहे हैं। जहां पे हेड और हेड कनेक्टेड हो जाता है और टेल कनेक्टेड होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? रिजल्टेंट को, जो कि बाकी के जितने भी वेक्टर हैं उन सबका सम रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कह सकता हूं, आई कैन से दैट R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर का जो सम है विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R
two vector, and if we find out the R21 vector, then it will be equal to R2 vector minus R1 vector. R1 is replaced and transferred in another side, then it will become R21 equal to R2 minus R1. This is the value of R21, and it is distance from the first point charge to the second point charge. Clear है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर इसमें दिक्कत आपको नहीं है तो आप इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हो बाय कूलाम लॉ. बाय कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है? बाय कूलाम्स लॉ द फोर्स विल बी, द फोर्स विल एफ इज इक्वल टू के Q1, Q2 upon R square. यही तो होता है K Q1 Q2 upon R square. तो K आपका K है, Q1 और Q2 की जगह value आपके पास में क्या है? Small Q1 and small है Q2. तो I can write this Q1 and this is Q2 upon R square. R square is the distance between two particles. And in vector form, it is represented by the position vector. Position vector of Q2 vector from the Q1. That is equal to R21. R21, और यहाँ पे हम square करते हैं, उसका ले लेंगे क्या? Modulus, और ये modulus आ गया है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? R21 की डायरेक्शन ये है, तो R21 की डायरेक्शन है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा R21 की डायरेक्शन को, दैट इज R21 कैप. ये क्या हो जाएगा? F21, द फोर्स अप्लाइड ऑन टू बाय द पॉइंट चार्ज 1 इज विल बी इक्वल टू F21 एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन. क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे. इसको मैं रख करूंगा और इसी में आगे चलूंगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना. चलो यहां तक हमने देख लिया F21 is equal to KQ1 Q2 upon R21 square होता है, then F21 will be equal to KQ1 Q2 upon R21 है, तो R21 will be represented by R2 minus R1, जो कि हमने अभी यहां पे ट्राइंगल बनाया था और ट्राइंगल के अंदर किया था. क्लियर है? और आप एक बात और जानते हो कि we know that R01 कैप बोलो या फिर R21 कैप, जो यहाँ से लिखा है आपने R21 कैप लिखा है. कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली एंड ओनली डायरेक्शन. और अगर यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? इसी का वेक्टर के अंदर आप डिवाइड कर देते हो इस वेक्टर का मॉड्यूलस, देन वी विल गेट द value of unit vector, then R21 cap will be equal to R21 vector upon R21 modulus. Clear है? अब ये जो value आई है, उस value को यहाँ put कर दो, then F21 will be equal to KQ1 Q2 upon R21 का whole square है, multiply R21 vector upon R21 का mod. क्लियर है? ये देखिए R21 का होल स्क्वायर, R21 का मॉड, तो ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे 21 है, ये तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? F21 will be equal to K multiply Q1 upon Q2 upon R21 का क्यूब multiply R21. क्लियर है?
आपको लग रहा होगा कि क्यूब के साथ ये क्यूब की तरह हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट एफ टू वन विल बी इक्वल टू, एफ टू वन विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई क्यू वन अपॉन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। आर टू वन वेक्टर विल बी इक्वल टू आर टू माइनस आर वन वेक्टर का होल क्यूब मल्टीप्लाई आर टू माइनस आर वन वेक्टर। देखिए यहाँ पे ओनली वेक्टर है और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस है, दैट मीन ये आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये पूरा का पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है इसलिए आपको फील होगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। ये है वैल्यू किसकी, एफ टू वन। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम निकालते हैं वैल्यू एफ वन टू की। 2-1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, 1-2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए इसको मैं एक बार कोने में लिख देता हूं, आपको रिमेंबर रहे कि F21 will be equal to K Q1 Q2 upon R2 minus R1 vector का cube multiply R2 minus R1 vector होता है। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से होगा क्या, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और वो लो हो जाएगा अपना न्यूटन थर्ड लॉ को। सो कूलम्ब लॉ होता है वो फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। कैसे करता है देखो, नाउ F21 वेक्टर, F12 क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल 1 बाय द पार्टिकल 2 विल बी इक्वल टू F12 एंड F12 विल बी इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड्यूलस का स्क्वायर मल्टीप्लाई R12 कैप हो जाएगा। R12 कैप की बात करूं तो F12 will be equal to K Q1 Q2 upon R12 का होल क्यूब मल्टीप्लाई R12 वेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया है, इस R12 कैप है, इसको चेंज करने के लिए क्या किया, R12 कैप अपॉन R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास किसकी, F12 की। क्लियर है? लेकिन इधर देखिए आप, यहां पे है पोजीशन वेक्टर R1, यहां से था पोजीशन वेक्टर R2, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन 1-2 की डायरेक्शन देखोगे तो क्या है, 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द पॉइंट चार्ज 2 ऑन पॉइंट चार्ज 1 एंड डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R12 अगर ये हो जाएगा तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला, फिर इधर मुड़ गया और यहाँ पहुंच गया, इधर से ये आ गया, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर will be equal to R1 वेक्टर and if you find out the R12 that is equal to R1 vector minus R2 vector, R1 vector minus R2 vector if you note it down, then आपने पहले निकाला था R21 क्या था, R2 minus R1, अगर इसी में से मैं minus common लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, R2 vector minus R1 vector, और R2 माइनस R1 वेक्टर क्या होता है, R21 जो कि आप पहले यहां पे निकाला था ट्रायंगल बना के, कॉपी में देखिएगा, तो R12 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, यानी R12 वेक्टर है वो R21 वेक्टर का क्या है, नेगेटिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है, और नेगेटिव फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, नाउ इसको मैं हटा रहा हूं, इधर देखो
Now F12 will be equal to K Q1 Q2 upon R12 vector whole cube multiply R12 vector होता है। अगर आप इसमें R12 की जगह R21 लग देते हो तो K Q1 Q2 upon R12 vector का mod लो या फिर R21 vector का mod लो, modulus में कोई change नहीं आएगा। आप अगर सोचो कि यहाँ पे negative लग जाएगा और उसका cube करेंगे तो negative मिलेगा, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा नहीं होता है, चेंज किस में आएगा, माइनस ऑफ R21 वेक्टर लग जाएगा। क्लियर है? R21 वेक्टर लग जाएगा, देन K मल्टीप्लाई Q1 अपॉन Q2 R21 वेक्टर का क्यूब R21 का होल क्यूब मल्टीप्लाई R21 वेक्टर। एंड ये जो फॉर्मूला है वो आपका पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है जो हमने यहाँ पे कोने के अंदर आपको लिखा था। तो देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये माइनस ऑफ F21, माइनस ऑफ F21, और ये किसके इक्वल है, F12 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक तरफ फोर्स लग रहा है और जो दूसरी तरफ फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको एक बार राइट डाउन करो, उसके बाद आपको फीलिंग लेते हैं इस चीज की कि क्या इसका मतलब हो रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए हो गया। हमने बोला कि जो F12 है वो नेगेटिव है, किसका, माइनस ऑफ F21 वेक्टर है। यानी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इधर, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। Q1 एंड Q2 बोथ आर चार्जेस एंड पार्टिकल। Q1 इस Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि इस डायरेक्शन में होगा, then F21 हम बोल रहे हैं। ये फोर्स किसने अप्लाई किया, Q1 ने, किसके ऊपर किया, Q2 के ऊपर, तो Q2 को भी गुस्सा आएगा। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया तो सेम गुस्सा Q2 को आया और Q2 ने वापस फोर्स लगाया किस पे, Q1 पे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी और उसको हम बोलते हैं F12। इसने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में, इसने वापस फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इसका जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। याद करो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज सेइंग एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन लॉ दैट इज सेइंग एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस कूलम लॉ फॉलो द रूल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको ये बात क्लियर हुई है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे फॉलो हो रहा है, क्लियर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। सो आई कैन राइट दिस कूलम लॉ, पॉइंट बना लेना, स्टार बना लेना, दिस कूलम्ब लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार आप। चलिए नाउ हम स्टडी करते हैं, जब हमने कूलम लॉ पढ़ा तो कूलम लॉ का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2। यही फॉर्मूला देखा, अगर आपने ये फॉर्मूला देखा तो K इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है,
एंड एप्सिलॉन जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो हेडिंग लगाइए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। New heading that is dielectric constant। देखो कुलाम भाई साहब ने क्या किया, कुलाम ने 1 पॉइंट चार्ज और 1 पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज लिए और दोनों पॉइंट चार्ज को क्या किया, एक ही मीडियम के अंदर यानी हवा है तो हवा के अंदर ही रखा और फोर्स की स्टडी करी, और उसने जैसे ही फोर्स की स्टडी करी उसको मिला F equal to K Q1 Q2 upon R square। बट जब उसने स्टडी एक्सपेरिमेंट करता गया और करते करते क्या हुआ, मौसम परिवर्तन हुआ, मतलब उसने एनवायरमेंट चेंज किया, मीडियम चेंज किया, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यही सेम चार्ज जो एयर में थे उनको लेके चला गया मीडियम के अंदर, तो उनके बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर उसने फिर एक स्टडी और करी जिसमें एक आपका अलग मीडियम में है, एक आपका अलग मीडियम में है, तो वो जो फोर्स होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा या बदल जाएगा। तो जो फोर्स में चेंजेज आ रहे हैं मीडियम की वजह से उसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द अमाउंट बाय विच द फोर्स विल रिड्यूस और फोर्स विल चेंज इज नोन एज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन कंपैरिजन टू एयर, एयर के कंपैरिजन में किसी मीडियम में कितना फोर्स कम हो रहा है उसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कंसीडर करो ये चार्ज थे और इन दोनों चार्ज को जब मैंने एयर में रखा तो इनका जो फोर्स है 10 न्यूटन मिला, कितना मिला 10 न्यूटन। और अगर इन्हीं चार्जेज को मैं अगर वाटर के अंदर रख देता हूं तो वाटर में मुझे मिलता है कितना 5 न्यूटन, कितना मिला 5 न्यूटन। अब ये इससे कितने टाइम कम है, इससे कितने टाइम कम है वो क्या कहलाएगा आपका, एक कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट हमेशा एक ही कांस्टेंट रहेगा कि वाटर के लिए इतना होता है, क्लियर है। जब भी आप इसको हवा में टेस्ट करोगे तो इतना मिलेगा और इसके कंपैरिजन में इतने टाइम इसमें रिड्यूस होके आपको मिलेगा वो होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी हाउ मच टाइम द फोर्सेस विल बी रिड्यूस्ड इफ एनी मीडियम इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो हेडिंग लगाइए और राइट डाउन कीजिए द अमाउंट by which the force will reduce in any medium as compared to air is known as dielectric constant and it represented by किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, किससे एप्सिलॉन आर, और जो एप्सिलॉन आर होता है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन आर और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है। चलिए
So epsilon r will be force, electric force in air upon electric force in any medium. Then we will get epsilon r will be equal to force in air upon F in medium. Clear है? Force in air क्या होता है? Force in air will be K Q1 Q2 upon R square. F air is 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. And similar in medium it can be written as 1 upon 4 pi epsilon m. Epsilon m क्या है? In medium and Q1 Q2 upon R square. Q1 Q2 R square cancel out हो जाएगा क्योंकि charges same है और charges को जिसे रखा हुआ है वो position भी same है. So it will be cancel out. 4 pi and 4 pi will also cancel out. Then epsilon r will be 1 upon epsilon naught multiply epsilon m upon 1. That is epsilon r epsilon m upon epsilon naught. Yani epsilon r kya hota hai? Relative permittivity, and relative permittivity will be equal to permittivity of any medium divided by permittivity of air is known as permittivity relative or dielectric constant. Clear है? ये होता है आपका dielectric constant. किस तरीके से depend करता है ये आप लोग देख चुके हो. क्या होता है इसके अंदर? Force जो है कितने time कम है किससे? Medium से. किसमें? किसी भी medium में किसी air से कितने time कम है ये होता है dielectric constant. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा. अगर कोई आपको दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें. थैंक यू वेरी मच.